अब फोकस किया जाए रेपो रेट पर, ध्यान देंगे जी रेपो रेट पर। तो ये तो आपने देख लिया कि आरबीआई अपने कस्टमर अर्थात बैंक को, नॉन बैंक को, एनबीएफसी सरकार को देती है जिस रेट में, वो हो गया बैंक रेट। लेकिन रेपो रेट बोले तो यह वह रेट है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसे भारत में रेपो रेट कहते हैं। वास्तव में यह पुनर्खरीद दर मतलब रेट ऑफ रिपर्चेज का लघु रूप है, जिसे पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्कटौती दर रेट ऑफ डिस्काउंट कहा जाता है। व्यवहार में इसे ब्याज दर नहीं कहा जाता, बल्कि पुरानी सरकारी सिक्योरिटीज पर छूट माना जाता है। ठीक है, याद रखिए, पुरानी सरकारी सिक्योरिटीज पर छूट माना जाता है जिन्हें संस्थान कम अवधि के ऋण के लिए जमा करते हैं। जब उन्हें अपनी सिक्योरिटी आरबीआई से मिल जाती है, याद रखिए, उसकी कीमत वर्तमान रेपो रेट की राशि जितनी कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए बात पे कि व्यवहार में से ब्याज दर नहीं कहा जाता, बल्कि पुराने सरकारी सिक्योरिटीज पर छूट माना जाता है जिन्हें संस्थान कम अवधि के ऋण के लिए जमा करते हैं। जब उन्हें अपनी सिक्योरिटी आरबीआई से मिल जाती है, उसकी कीमत वर्तमान रेपो रेट की राशि जितनी कम हो जाती है। भारत का कोल मनी मार्केट या मांग मुद्रा बाजार बोले तो अंतर बैंक बाजार इसी दर पर काम करता है, और बैंक इस रास्ते का इस्तेमाल रातों रात उधार लेने के लिए करते हैं। इस दर का सीधा संबंध दर है किससे है संबंध, इसका संबंध उस दर से है जिस पर बैंक ग्राहकों को लेन देता है। देखिए अब समझ में आया, तो मैंने ये फोकस करना ही है, आरबीआई बैंकों को दी वो बैंक रेट, बैंक अपने कस्टमर को दी वो रेपो रेट जी। ठीक है, यह दर मार्च 2018 में 6% था, अक्टूबर 2013 में एक रात से ज्यादा की नकदी के लिए पहली बार टर्म रिस्पॉन्स, ठीक है बोले तो, का इस्तेमाल किया गया, पहली बार टर्म रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मजबूत मुद्रा बाजार, स्थिरता और ऋण से जुड़े उत्पादों को बेहतर लागत निर्धारण के जैसे इसके कई लक्ष्य हैं।